दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज, सत्य का प्रतीक द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेका। कुछ ही घंटों के बाद आप जब रात में सोएंगे और जब आप सुबह उठकर अपने टीवी या मोबाइल को ऑन करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि झारखंड का हीरो अब कौन होगा। दो हीरो हैं, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। एक भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन के उम्मीदवार। अब कल आप जब टीवी खोलोगे और जब आप अपने मोबाइल में यूट्यूब का चैनल देखना प्रारंभ करोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि झारखंड का नया हीरो कौन। मैंने आपको सर्वे, महासर्वे दिया था, आपने सुना होगा। अजीबो गरीब स्थिति झारखंड विधानसभा की है। बहुमत से कोसों दूर भारतीय जनता पार्टी चली गई। लगभग भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होता दिख रहा। महागठबंधन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगी और महागठबंधन सरकार बनाने के मुकाम तक जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जेबीएम के बाबूलाल मरांडी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखी जा रही है। आजसू की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जा रही है। पूरे झारखंड के चुनावी दौरे में यह देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को कई ऐसे कारण थे जिसके कारण नाराजगी को सामना करना पड़ा, जो हमने आपको बताया था। बार बार क्या बताऊं। और महागठबंधन कठोर से कठोर कदम उठाकर तरह तरह के समझौता को करते हुए बड़े ही मजबूती के साथ, बड़े ही ताकत के साथ अपने उम्मीदवारों को लड़ाया और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ा। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे शिबू सोरेन हो, इन सारे लोगों के जनसभाओं में उमड़ती भीड़ की आधार पर ऐसा प्रतीत होने लगा कि झारखंड की बाजी इस बार भाजपा सरकार रघुवर दास हार जाएगी और वहां सिक्का चलेगा तो महागठबंधन का, और महागठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं हेमंत सोरेन। कल किसके सर पर ताज जनता रखेगी, कल 8 बजे के बाद आपको रुझान मतगणना का पता चलने लगेगा। दोपहर तक आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्या होना है, झारखंड की जनता ने किसे ताज पहनाया और किसे ताज नहीं पहनाया। दो ही व्यक्ति के बीच की लड़ाई है, महागठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी। दो ही हीरो हैं, रघुवर दास या हेमंत सोरेन। तो जनता को फैसला करने में बड़ा ही आसानी हुआ कि वोट दूं तो किसे दूं, आदिवासी मूल के हेमंत सोरेन या झारखंड के बाहरी कहे जाने वाले रघुवर दास। यह फैक्टर भी बहुत वहां काम किया। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, जो मैं बार बार बताता हूं, यह तो फैक्टर था ही। तो आज विशेष मैं आपको क्या बताऊं, कल का दो ही हीरो, दो में किसे ताज जनता पहनाती है, यह कल ही आपको कुछ ही घंटों के बाद आप जब सोएंगे और जब आप जगेंगे, क्योंकि ठंडा का वक्त है, आप उठेंगे, मुंह कान धोएंगे, फ्रेश होएंगे, तब आपकी नजर टीवी के ऊपर जाएगी।
तब तक में रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएगा और आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कल का हीरो झारखंड का कौन। देश के दशा दिशा को बदल देने वाला कल रिजल्ट आने वाला है। हम लोगों ने कई सर्वे, कई तरह की बातें को जानकारी लेते हुए हमने सर्वे डाला था। अब उस सर्वे को आपको मैं बार बार क्या बताऊं, देख सकते हैं पिछले वीडियो में। लेकिन यह तय है कि महागठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ी और भाजपा बहुत तेजी से नीचे गिरी। इन सर्वे के अलावे एक सर्वे और है कि जनता के दिल में क्या था, वो ईवीएम मशीन में जनता ने क्या किया। यह तो जनता का हक और अधिकार है जो उसके अंदर है। यह कल ही खुलेगा और कल ही आपको पता चलेगा। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं इसी प्रकार, और मैं और मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगती है, आप मुझे प्रेम प्यार स्नेह दे रहे हैं और आगे भी आप प्रेम प्यार स्नेह देना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सब्सक्राइब करें तो लाल बटन दबाने के अलावे जो सब्सक्राइब लाल लिखा हुआ उसे दबाएं। उसके बाद बगल में एक घंटी है जिसे आप घंटी कहें, घंटा कहें, बेल कहें, बेल आइकन कहें, उसको जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरा जो भी वीडियो होगा वो फटाफट आपको प्राप्त होगा और आप मेरे वीडियो को सुन सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें और कमेंट भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप इंतजार करेंगे बेसब्री से झारखंड परिणाम का, उसी तरह मैं भी बेसब्री से इंतजार करूंगा। 12 घंटा का वक्त है, क्योंकि मुझे भी आपको बताना और मैंने भी जो आपको बताया तुलना करनी है कि क्या सही है क्या गलत है। आपका प्रेम प्यार मुझे तब मिलेगा जब मेरी बातों में सच्चाई होगी, वरना आप मेरे को गाली दोगे कि झूठा है यह रिपोर्टर। इससे भी बचना है मुझे। तो दोस्तों ख्याल करें, ख्याल रखें, अपनी भी ख्याल करें, मेरा भी ख्याल रखें, सबका ख्याल करें। सबका ख्याल ऊपर वाले भी करते हैं, हम सब भी करते हैं। धन्यवाद।